मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में टाटा हैरियर ने अपना नाम खूब चमकाया है। 2018 के एंड में इस कार का डेब्यू हुआ था, जिसके बाद 2019 की शुरुआत में इसे लॉन्च किया गया। इसके बाद टाटा हैरियर के डार्क एडिशन एंड काजीरंगा एडिशन भी लॉन्च हुए, जिससे समय समय पर ये कार अपडेट होती रही। अब इस बार कंपनी इस कार को मिड लाइफ अपडेट देने की तैयारी में है, जहां इसके काफी कुछ अपडेट नजर आएंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने टाटा हैरियर पेट्रोल फेसलिफ्ट को फुल डिटेल से कवर किया है। सो गाइज, आई रिक्वेस्ट वीडियो कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। टाटा मोटर्स हैरियर फेसलिफ्ट को Q5 MCE प्रोजेक्ट नाम देकर उस पर वर्क कर रही है। अगर टाटा हैरियर फेसलिफ्ट में अपडेट की बात करें तो इसके एक्सटीरियर के फ्रंट पोर्शन में एक न्यूली डिजाइन ग्रिल ऑफर की जाएगी, एंड इसके अलावा न्यू डिजाइन की हेडलाइट्स भी ऑफर की जाएगी, एंड इसके अलावा न्यूली डिजाइन अलॉय व्हील्स के सेटअप के साथ ट्विकड बम्पर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी इसके रियर साइड में भी काफी फ्रेश लुक ऑफर करेगी। इसके अलावा टाटा हैरियर के इंटीरियर को कवर करें तो इसके इंटीरियर में लार्जर इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एम्बिएंट लाइटिंग, स्टेरियो सिस्टम, IRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स ऑफर किए जाएंगे। टाटा हैरियर में पावरट्रेन वाइज 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन होगा, जो कि 150 PS की पावर को जनरेट करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टाटा हैरियर पेट्रोल को ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा। टाटा हैरियर फेसलिफ्ट की लॉन्च डेट को कवर करें तो कंपनी इसको 2023 तक लॉन्च कर सकती है। अगर प्राइस को कवर करें तो इसमें पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलने से इसकी एंट्री लेवल प्राइस कम हो सकती है। ऐसे में नई टाटा हैरियर की शुरुआती एक्स शोरूम प्राइस 14 लाख रुपए तक हो सकती है। तो गाइस, ये है टाटा हैरियर फेसलिफ्ट। वीडियो से रिलेटेड अपनी ओपिनियन को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, एंड अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।